आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ट्रैक्टर रैली के बाद हाल ही में रेल रोको आंदोलन भी किया गया था। किसानों के समर्थन में लगातार सेलिब्रिटीज भी सामने आ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर हैंडल से किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने बेबाक अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं शायर नहीं और जुर्म के खिलाफ ना लिखूं, जालिम के डर से, अरे गुरु गोविंद सिंह का सिख हूं, कोई कायर नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि किसानों को अपना आंदोलन चलाते हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि अब तक सरकार और किसानों के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच में 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत भी लगातार अपनी बातों पर डटे हुए हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कहा था कि इससे किसान और खेती किसी का भी भला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार के तीनों कृषि कानून लागू हुए तो भूख पर भी व्यापार होगा। राकेश टिकैत का कहना था कि लड़ाई को तोड़ने के लिए किसानों को जाति में बांटने का भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन सभी किसान एकजुट है। वही नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो जज के तौर पर कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में कई बार नजर आ चुके हैं। उनकी शायरियाँ फैंस का मन मोह लेती है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को बिग बॉस में आने के बाद काफी लोकप्रियता मिली थी। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो वो खुद को फिर से दोहराता है। इतिहास ने हमें बताया कि कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं जीत सकती। नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।